आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो लेबर स्थित द ग्रेट गैलेंट डिस्टिलरी शराब फैक्ट्री है। इस शराब फैक्ट्री की वजह से यहाँ के आसपास के खेतों की अगर बात करें तो करीब 15 से 20 किसानों के खेत यहाँ पड़ते हैं। काफी बीघा जमीन है यहाँ पर और इस फैक्ट्री की वजह से सालों से ये जमीन खराब हो रही है, किसानों की फसलें खराब हो रही है, पर इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये है लेबर स्थित शराब फैक्ट्री द ग्रेट गैलेंट डिस्टिलरी जो बरसों से शराब बना रही है। इस फैक्ट्री का शुरू से ही विवादों से गहरा नाता रहा है। इस शराब फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी से इस क्षेत्र के किसान बरसों से परेशान है, किंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। फैक्ट्री द्वारा छोड़े जाने वाले दूषित पानी से हर साल किसानों की सैकड़ों बीघा की फसल खराब हो जाती है और जल स्रोत भी प्रदूषित हो चुके हैं। फैक्ट्री के पीछे दूषित पानी को निकालने के लिए फैक्ट्री ने बड़े बड़े तालाब नुमा लेगुन बना रखे हैं, जिनमें काला पानी छोड़ा जाता है और जब बारिश शुरू होती है तो ये लेगुन फोड़कर पानी बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे भारी मात्रा में दूषित पानी किसानों के खेतों से बहकर आगे निकल जाता है और नालों के रूप में आगे बढ़ता जाता है। यह सिलसिला लगभग पूरी बारिश ही चलता है, जिससे करीब एक दर्जन से ज्यादा किसानों की फसलें हर साल खराब हो जाती है, जिसे लेकर किसानों ने कई बार प्रशासन को शिकायत भी की, किंतु फिर भी कोई हल नहीं निकलता। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता हरदेव सिंह जाट ने भी अपनी फसल खराब होने की शिकायत धार SDM, तहसीलदार और प्रदूषण विभाग को की है। इस फैक्ट्री की वजह से हमारे खेतों में पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, जिसकी कई बार हम मांडू डिस्टिलरी के जो मैनेजर है, जनरल मैनेजर, उनको हम कंप्लेंट कर चुके हैं। वो लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपका हम भरपाई करेंगे, पर हर साल कुछ भरपाई नहीं होती है और इस बार पूरी सोयाबीन नष्ट हो चुकी है। मैंने कई बार KK सिंह साहब को व्हाट्सअप करके उनको वीडियो सेंड किए हैं, पर उनका ये जवाब आया हम कर रहे हैं, बाकी आज तक कोई निराकरण हमारा नहीं हुआ है। और गेहूं की फसल भी इस कारण हमारी पूरी नष्ट होगी, मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो गई है। कितने सालों से हो रही है फसलें खराब? ये 20 साल हो गए जब से फैक्ट्री चालू, जब से पानी आ रहा है इनका। तो ये हर साल जो नुकसान होता है उसका कोई मुआवजा आपको मिलता है? कोई मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है, किसी को नहीं मिला है। यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी आके कार्रवाई करते हैं? प्रशासनिक अधिकारी आए, बाकी सब कुछ कार्रवाई नहीं होती आगे। मतलब साठ गांठ के चलते जो है वो सब काम हो जाता है, दबा दिया जाता है। सोयाबीन की फसल के दौरान क्या होता है? पूरा बेताव पानी निकल गया, जल गया, बीसेट से पूरा खेत से पानी निकलता आपके। और उसके बाद कितनी सोयाबीन हुई आपके खेतों में? ये तकरीबन सर 150 क्विंटल, 80 बीघा में केवल 150 क्विंटल। कितनी होनी थी इसमें कम से कम? सर 500 क्विंटल। तो इस नुकसान की भरपाई प्रशासन या फैक्ट्री के द्वारा होती है? कोई मुआवजा नहीं मिलता? फैक्ट्री वाले क्या कहते हैं? बात करने के लिए पसंद नहीं करते। और प्रशासनिक अधिकारियों को जब शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती? और गेहूं की फसल की क्या स्थिति रहती है? अच्छा, और बोरिंग में पानी पूरा लाल हो जाता है। किसानों की बारिश के मौसम में होने वाली सोयाबीन और मक्का जैसी फसलें तो खराब होती ही है, साथ ही जल स्रोत भी प्रदूषित होने की वजह से गेहूं और चने की फसल पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इस प्रदूषित पानी की वजह से आसपास की जमीनों की उर्वरा शक्ति भी कम हो चुकी है, जिसका किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। फिर भी अधिकारी इस मामले से अनजान है। जब भी अधिकारियों से इस संबंध में बात की जाती है तो उनका जवाब होता है कि हमारे पास अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है, यदि शिकायत आती है तो कार्यवाही करेंगे। वहीं प्रदूषण विभाग भी सब कुछ जानते हुए मौन है। आखिर अधिकारी इन किसानों की सूद कब लेंगे? मैडम, लेबर स्थित ग्रेट गैलेंट डिस्टिलरी के प्रदूषित पानी से हर साल कई किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन जो है खराब हो जाती है, उनकी फसलें खराब हो रही है और कई बार शिकायतें की गई पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। लेबर से रिलेटेड मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है, यदि कोई शिकायत आती है तो मैं संबंधित विभाग को रेवेन्यू के साथ जांच करा लेती हूँ उसकी। अभी भी 3 दिन पहले किसानों ने जो है वो एक आवेदन दिया है, तहसीलदार साहब को दिया है, आपके यहाँ पे दिया है, और इससे पहले भी कई बार किसानों का कहना है कि हम दे चुके हैं, पर अभी तक कोई निराकरण नहीं होता, ना ही उनको मुआवजा मिलता है किसी तरह का और ना ही
अभी तक प्रतिबंध लग पाया है किसी तरह? मैं संबंधित विभाग से इस बात में चर्चा करके देख लेती हूँ कौन सा आवेदन है, संबंधित विभाग को भेज भी देते हैं एक्साइज से।